Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Nonstop. It's me guys, Sri Sanu, and you are watching Sun Nonstop. So guys, again I'm back with another amazing video. How a middle class man changed Gurgaon into smart city. ठीक है, गुड़गांव के बारे में भाई बहुत ज्यादा सुना हुआ कि गुड़गांव जो है वो साइबर सिटी बन चुका है और काफी अच्छी डेवलपमेंट्स वहां पर आ चुकी हैं. क्या क्या चीजें हो चुकी है, कौन कौन बंदा गुड़गांव से है, कौन कौन बंदा गुड़गांव को पर्सनली तौर पर विजिट कर चुका है, गुड़गांव कैसा, कमेंट बॉक्स के अंदर जरा बताइएगा मुझे कि गुड़गांव कैसा है. और जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, कसम से यार तुम लोग बहुत बुरा करते हो. तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग जो है ना क्राइम कर रहे हो. ठीक है, वीडियो देखे बगैर, वीडियो मतलब देखते हो और सब्सक्राइब किए बगैर निकल जाते हो, वो आप लोग क्राइम करते हो. ठीक है, तो आज आप लोग क्राइम नहीं करना, आज आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना है. 10 दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. गुड़गांव के बारे में देखते हैं. गुड़गांव द साइबर सिटी, जिसे आज भारत का सिंगापुर कहा जाता है. गगन चुंबती बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कंपनीज, फैक्ट्री, मॉल्स, चमचमाते रोड्स और रॉयल्टी यहाँ की पहचान बन चुकी है. और यहाँ की यही रॉयल्टी इसे साइबर हब बनाती है, जिसे देखकर एक बार तो हर किसी के मुंह से जरूर निकलता है, वाओ ब्यूटीफुल, द रियल हेवन इज हियर. लेकिन जो गुड़गांव आज ड्रीम सिटी बन चुका है, कभी वहां लोग आने से भी डरते थे. जहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े मॉल्स, थीम पार्क्स हैं, कभी ये इलाका वीरान हुआ करता था. रोड के नाम पर यहाँ कच्चे और सुनसान रास्ते थे और उसके चारों तरफ घना जंगल. जहाँ आज कुछ इंच जमीन खरीदने के लिए भी लाखों रुपए कम पड़ते हैं, वहाँ लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते थे कि कोई जमीन तो खरीद ले. तब किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक अपार्टमेंट करोड़ों में बिकेगा. लेकिन ये चेंज आया कैसे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुड़गांव से द साइबर सिटी गुरुग्राम बनने की. गुड़गांव से गुरुग्राम, यार ब्यूटीफुल तो है, अच्छा है, नाइट में और प्यारा लग रहा है, मिनी सिंगापुर. देखिए, नेशनल कैपिटल दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर साउथ में नजर डालते हैं तो आंखें चौंधिया जाती हैं. दरअसल यहां पर हरियाणा का दिल है, यानी गुरुग्राम. आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये शहर 70% रेवेन्यू अकेले जनरेट करता है. यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि गुड़गांव अकेले पूरे हरियाणा को पाल रहा है, क्योंकि ये प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जिला है. आज गुरुग्राम में 28,000 से ज्यादा कंपनियां हैं और 23,500 कंपनीज का हेडक्वार्टर है. यही वजह है कि यहाँ पर 75% किसान ऐसे हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है. बावजूद इसके यहाँ की ग्रोथ रेट लगभग 70% और पर कैपिटल इनकम लगभग 3,25,758 है, जो देश में तीसरे नंबर पर है. आज गुड़गांव 8,500 से ज्यादा स्टार्टअप का घर बन चुका है. यहाँ 250 फॉर्च्यून और 500 कंपनियां हैं. देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति का प्लांट भी यहीं पर है. आज गुरुग्राम में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है. पूरे प्रदेश में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में 96% की हिस्सेदारी अकेले गुरुग्राम की है. इसके अलावा गुरुग्राम में 5 और 7 स्टार होटल्स की लंबी चेन है. इसके अलावा 60 से ज्यादा मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, किंगडम ऑफ ड्रीम्स जैसा टूरिस्ट स्पॉट, DMRC और रैपिड मेट्रो सर्विसेज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इस शहर की शान को और चार चांद लगा देती है. और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसकी गिनती प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी होने लगी है. जी हाँ, देश विदेश के इन्वेस्टर्स को सबसे पहले गुरुग्राम के दर्शन कराए जाते हैं. देश के 3 बड़े सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर गुरुग्राम में हैं. ये शहर NCR का सबसे बड़ा लेजर डेस्टिनेशन है. लेकिन आज से 5 दशक पहले के गुरुग्राम और आज के गुरुग्राम में जमीन आसमान का अंतर है. अगर आज गुरुग्राम के बारे में आप सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें और बिजनेस हब सामने आने लगता है. शानदार मॉल, ट्रेंडी रेस्टोरेंट, एग्जॉटिक नाइट क्लब्स, सबकी तस्वीरें दिखती हैं. लेकिन हमेशा से ये शहर ऐसा नहीं था. कभी यहाँ पर जंगल हुआ करते थे, सुनसान सड़कें रहती थी. दिल्ली से सटे होने के बावजूद डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कुछ नहीं था. पहले गुरुग्राम एक छोटा सा गांव था जहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी और खेती भी कुछ खास नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी आसपास के एरियाज के मुकाबले काफी खराब थी. लोग भूखे मर रहे थे, लोग हाथ पैर जोड़कर रिक्वेस्ट करते थे कि कोई उनकी जमीन खरीद ले. यहाँ जमीन के रेट काफी कम थे, बावजूद इसके कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था. लेकिन साहब, आज यही जमीन हीरे के भाव बिकती है.
एक टाइम पर जहां ठेठ ग्रामीण कल्चर था, अभी अपनी मॉडर्निटी, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी और ग्लोबल सिटी जैसे ना जाने कितने नामों से नवाजा जाता है। लेकिन ये पॉसिबल हुआ कैसे? कैसे एक सुनसान शहर जहां कुछ भी नहीं था, आज वो जगमगाने लगा है। गुड़गांव की इस टर्निंग पॉइंट वाली स्टोरी को जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे चलना होगा। तो बता दें कि गुड़गांव को लेकर एक कहानी बड़ी फेमस है। कहा जाता है कि महाभारत काल में कौरवों और पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरुग्राम गिफ्ट में दिया था, इसी कारण इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। वहीं महाभारत काल के बाद के समय की बात करें तो इस इलाके को यदुवंशी और जादौन जनजातियों के राजपूतों ने भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। बाद में जब मुगल भारत आए तब बाबर ने सबसे पहले इसी इलाके को जीता और यहाँ पर राज किया। इसके बाद अकबर के शासनकाल में गुरुग्राम को दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में गिना जाने लगा। कुल मिलाकर मुगलों ने यहाँ पर साल 1803 तक शासन किया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हिस्से को हथिया लिया। सालों राज करने के बाद 1947 में देश को आजादी मिली थी, तो उस वक्त गुरुग्राम पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1966 में जब हरियाणा बना तो गुरुग्राम हरियाणा को दे दिया गया। इसके बाद साल 1979 में 5 तहसीलों को मिलाकर गुड़गांव हरियाणा का छठा जिला बना। हालांकि गुड़गांव के आम से खास बनने की कहानी 1970 में ही शुरू हो गई थी और इसे शुरू किया था डीएलएफ के केपी सिंह यानी कुशल पाल सिंह ने। जब हर कोई गुड़गांव से भाग रहा था तब इन्होंने इसके ब्राइट फ्यूचर को भांप लिया था। उन्हें पता था कि फ्यूचर इसी शहर में बसने वाला है। जब वहां कुछ भी नहीं था, केपी सिंह ने दांव खेला, रिस्क उठाया और वहां इन्वेस्ट करना शुरू किया। केपी सिंह ने किसानों से बात करना शुरू की। किसान जो पहले से ही गुड़गांव बंजर जमीन से परेशान थे, उन्हें मनाना मुश्किल नहीं था और वैसे भी जिस जमीन को कोई खरीदना नहीं चाहता था, अब उन्हें इसके बदले अच्छी खासी कीमत मिल रही थी। ये उनके लिए घाटे का सौदा नहीं था, इसलिए वो मान गए और फिर यहीं से शुरू हुआ वर्ल्ड क्लास सिटी बनने का काम। केपी सिंह ने पहले डीएलएफ के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स ऑफिस स्पेस बनाना शुरू किया। ये उस दौर की बात है जब सूरज डूबने के बाद लोग वहां जाने तक से डरते थे। ऑटो टैक्सी वाले गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर से आगे जाने के लिए दोगुना किराया मांगते थे, लेकिन केपी सिंह समझ चुके थे कि दिल्ली के भीड़भाड़ से परेशान लोग गुड़गांव ही आएंगे। उन्होंने फ्यूचर का एनालिसिस कर लिया था। डीएलएफ के नक्शे कदम पर चलते हुए कई बिल्डर्स अब गुड़गांव पहुंचने लगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी, घर भी बन गए, लेकिन खरीदार और रहने वाले वहां जाने को तैयार नहीं थे। केपी सिंह समझ गए कि भाई जब तक कंपनियां वहां पर नहीं पहुंचेंगी, लोग नहीं आएंगे। अब साल 1989 में उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक को भारत लाने का काम किया। भारत इलेक्ट्रिक ने गुड़गांव में पहले बीपीओ सेंटर खोला। इसके बाद सिंह ने गुड़गांव में जनरल इलेक्ट्रिक को आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए अपना पायलट ऑफिस खोलने के लिए राजी भी किया। इसी के साथ गुड़गांव में कंपनियों के आने का सिलसिला शुरू होता चला गया। कम किराए, ओपन स्पेस, पास में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी ने कंपनियों को गुड़गांव की ओर खींचना शुरू कर दिया। आज गुरुग्राम प्रदेश के रीढ़ की हड्डी है। बिना इसके स्टेट की डेवलपमेंट के बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है। आज गुरुग्राम में सैकड़ों की संख्या में आईटी बीपीएम कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम भी करती हैं। गुरुग्राम कॉर्पोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों का बड़ा हब बन चुका है। यहां 1000 से अधिक कॉल सेंटर्स हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कन्वर्जिट, आईबीएम, टीएसएम और जनपैक जैसी आईटी कंपनियां हैं। यही रीजन है कि यहां का सालाना आईटी एक्सपोर्ट तकरीबन 50,000 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। इस स्ट्रगल को लेकर एक कहानी काफी फेमस है जिसे केपी सिंह ने खुद कई बार सुनाया है और ये तब शुरू हुई जब उन्हें राजीव गांधी से मिलने का मौका मिला। खैर, ये बात 1980 के दशक की शुरुआत की है। उस वक्त राजीव गांधी कांग्रेस महासचिव थे। वो एक दिन अपने फार्म हाउस जा रहे थे जो मेहरोली में था। तभी गुड़गांव इलाके में उनकी जीप अचानक खराब हो गई। कोइंसिडेंस से केपी सिंह भी वहीं थे। उनकी मुलाकात कुतुब मीनार के करीब हरियाणा के एक उजाड़ इलाके में हुई थी। दरअसल राजीव गांधी फार्म हाउस तक जाने के लिए अक्सर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे। जब उनकी जीप खराब हुई तब केपी सिंह वहां बैठे 40 एकड़ भूमि के एक टुकड़े पर विचार कर रहे थे। अचानक राजीव गांधी की जीप आकर रुकी। वो बाहर निकले और पूछा, क्या पानी की कैन मिलेगी, क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो गया। उन्होंने जीप ठीक करने में उनकी मदद भी की। इस दौरान दोनों में बातचीत हुई। जब राजीव गांधी ने पूछा केपी से कि वो इस एरिया में क्या कर रहे हैं, तो केपी जवाब देते हैं कि वो एक नए शहर का सपना देख रहे हैं। राजीव गांधी उनके अप्रोच से काफी इंप्रेस हुए। इसके अलावा केपी सिंह ने राजीव गांधी को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया कि भाई कैसे सरकारी कानून उनके रास्ते का कांटा बन गया है और इस नए शहर को बसाने से रोक रहा है। दरअसल डीएलएफ लिमिटेड के पास उस समय ना तो ज्यादा पैसा था और ना ही बड़ा बिजनेस, जिसकी वजह से बैंक उन्हें लोन देने को तैयार नहीं है। दोनों यहां करीब 1.5 घंटा बैठे रहे।
पूरे टाइम उनके बीच गुड़गांव को वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सिटी बनाने और उसकी पॉसिबिलिटी को लेकर चर्चा होती रही। इसके बाद अक्सर दोनों की मुलाकात होने लगी। दोनों करीबी दोस्त बन चुके थे। इस दौरान राजीव गांधी ने केपी सिंह को अपने ऑफिस में इनवाइट भी किया। वो चाहते थे कि केपी नई दिल्ली आकर उसके और अरुण सिंह के सामने अपना प्रपोजल रखें। इसके बाद कई बैठकें हुईं और सभी इस बात पर एक मत थे कि गुड़गांव को एक मॉडल शहर के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। इसके लिए डेवलपर्स को लाइसेंस दिए गए, लेकिन उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि उनके प्रोजेक्ट से उस सोशल क्लासेस को प्रॉफिट मिल सके जो कमजोर है। डीएलएफ लिमिटेड को पहला अपना लाइसेंस अप्रैल 1981 में मिला था। उसे टोटल 39.34 एकड़ जमीन मिली थी डेवलपमेंट के लिए। केपी सिंह ने गुड़गांव को चमकाने से पहले साउथ कोरिया और मलेशिया का दौरा भी किया, वहां की डेवलपमेंट देखी, नए नए आइडियाज जनरेट किए और गुड़गांव में डीएलएफ सिटी बना डाली, जहां 1990 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने जमीन पट्टे पर ली। अब ऐसा करने वाली ये पहली इंटरनेशनल कंपनी थी। इसके बाद तो मानो कंपनीज की लाइन लगती चली गई। ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले और आईबीएम जैसी इंटरनेशनल कंपनीज भी डीएलएफ लिमिटेड के किराएदारों के रूप में पहुंची। आज इस शहर में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, अमेरिकन एक्सप्रेस, टाटा, हीरो, आईबीएम, ब्रिटिश एयरवेज जैसी दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां गुरुग्राम की शान में चार चांद लगा रही हैं। गुरुग्राम सोहना मानेसर रेवाड़ी बिजनेस सेंटर बन चुका है। हर रोज यहां लाखों लोग नौकरी के लिए आते जाते हैं। ये शहर सरकार के खजाने में बड़ा रेवेन्यू भरने का काम भी करता है और ये सब पॉसिबल हो पाया केपी सिंह यानी कुशल पाल सिंह की वजह से। अब हम काफी देर से केपी सिंह की बात कर रहे हैं, तो एक नजर इस शख्सियत पे भी डाल लेते हैं। बता दें कि केपी सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने सुनसान वीरान बड़े खेतों को हरियाणा का हीरा बना दिया। अगर केपी ने उस वक्त वो रिस्क नहीं उठाया होता तो शायद ही ये आलिशान शहर बस पाता। केपी ने उस वक्त भविष्य को भांप लिया था और दिल्ली से सटे इन खाली खेतों में प्रदेश का हीरा बना दिया। केपी सिंह साल 1961 में उन्होंने सेना छोड़कर अपने ससुर की कंपनी डीएलएफ को ज्वाइन किया। उन्होंने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और कमर्शियल एरियाज का विकास किया। साल 1946 में उनके ससुर रघुवेंद्र सिंह ने इस कंपनी की नींव रखी थी जिसे केपी ने संभाला। उन्होंने साल 2007 में डीएलएफ आईपीओ की निगरानी भी की। कंपनी को नई ऊंचाइयां देकर उन्होंने साल 2020 में केपी सिंह ने डीएलएफ के चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दी। अब उनके बेटे कमान संभालते हैं और वे आज भारत के सबसे अमीर डेवलपर्स और अरबपतियों में से एक हैं। तो ये थी वीरान और सुनसान पड़े गुड़गांव की कहानी जिसे केपी सिंह ने द साइबर सिटी बना दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। और ऊपर से केपी सिंह ने भाई गुड़गांव को जो है वो एक गांव से वीरानी जगह से जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, एक इंडस्ट्रियल शहर बना दिया और हरियाणा का जो है वो एक इंडस्ट्रियल शहर बना दिया, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये गांव है, ठीक है। गुरुग्राम भी, गुड़गांव भी इसको बोलते हैं। एलवी शादव भी यहाँ से ही है। और भाई मैं समझती थी कि ये कोई छोटा सा कोई गांव होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये था, ठीक है। लेकिन अभी तो भाई ये बहुत ही अच्छा, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स और इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज वहां पर आ चुकी है अपना स्टार्टअप लेकर, और वो वहां पर जो है बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब्स वहां पे मिल रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो गाइस आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।